संसद के विशेष सत्र की तस्वीर साफ, वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बढ़ेगी सरकार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सरकार ने बनाई समिति। कमेटी लोगों की राय लेगी और सरकार को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। संसद के विशेष सत्र में आएगा बिल, सरकार की तैयारी पूरी। संसद के विशेष सत्र के ऐलान के साथ ही ये सवाल उठने लगे थे कि सरकार कुछ बड़ा करने वाली है, और अब सरकार का एजेंडा भी सामने आने लगा है। पहले ही दिन से दावा किया जा रहा था कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की ओर आगे बढ़ सकती है, और ये होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार ने अभी और आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई कमेटी बनाई है। ये कदम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया है। बीते कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की वकालत मजबूती से करते आए हैं। अब इस पर विचार करने के लिए रामनाथ कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला सरकार की मंशा को साफ साफ बता रहा है कि सरकार अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर फैसला कर चुकी है। इसके साथ ही ये भी तय माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, और इसके बाद अगले साल मई जून में लोकसभा चुनाव होंगे, तो ये दोनों ही चुनाव साथ साथ कराए जा सकते हैं। एक देश एक चुनाव की वकालत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। एक देश एक चुनाव के समर्थन के पीछे एक तर्क ये भी है कि भारत जैसे विशाल देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। औसतन हर साल 5-6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, और ये चुनाव भी एक साथ नहीं होते, बल्कि साल में 2 या 3 बार विधानसभा के चुनाव होते हैं। विधानसभा चुनाव के चलते केंद्र में जिस दल की सरकार होती है वो सख्त फैसले नहीं ले पाती है, क्योंकि उसका असर चुनाव में पड़ने की संभावना से सरकार अपने कदम पीछे खींच लेती है। बार बार होने वाले चुनाव की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है, इससे सरकार समय पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती है, या फिर विभिन्न योजनाओं को लागू करने में दिक्कत आती है। इससे यकीनन विकास कार्य प्रभावित होते हैं, लेकिन एक बार सभी राज्यों के चुनाव होने के बाद सरकार सख्त फैसले ले सकती है, जिसका बाद में लाभ मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। दरअसल राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बिल लागू होने से चुनाव की बार बार की तैयारी से छुटकारा मिल जाएगा। पूरे देश में चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, जिसे सरकार के विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। केंद्र सरकार भले ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में हो, लेकिन इसके विरोध में भी कई मजबूत तर्क गढ़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर यह बिल लागू होता है तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ हो सकता है। अगर देश में सत्ता में बैठी किसी भी पार्टी का सकारात्मक माहौल बना हुआ है तो इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है, जो भविष्य में लोकतंत्र के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। अभी राज्य विधानसभा चुनाव और केंद्र के चुनाव में जनता का मत अलग अलग दलों को जाता है। पिछले 5 सालों के दौरान ये नज़ारा दिखाई भी दिया, जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम बिल्कुल ही अलग अलग आए थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी, जबकि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने स्वीप कर दिया था, लेकिन 10 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो राजस्थान में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने स्वीप कर दिया। यानी मतदाता राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग वोट करता है, लेकिन 7 चुनाव होने पर वोट प्रभावित हो सकता है।